हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। फाइनली है आपके आरपीएससी के द्वारा, आज है 26 सितंबर को फाइनली जो सेकंड ग्रेड मैथ का रिजल्ट है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है एक गुना की, जिनमें से आपके जो टीएसपी एरिया में आपके टोटल 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जबकि इनकी वेकेंसी थी 244, यानी आप ऐसे कह सकते हैं बाकी सीटें खाली रही हैं। इनके अलावा नॉन टीएसपी एरिया में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें से टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं 903। आपको मालूम होगा शायद ये इतने ही दो गुना में सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि सभी के पासिंग मार्क पर आपके रिजल्ट रखे गए थे, केवल एक जनरल को छोड़ के। क्योंकि आपको मालूम होगा इनकी जब वैकेंसी आई थी तो नॉन टीएसपी एरिया में 1369 पद थे, जिनमें से आपके 903 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो इसके बाद बचते हैं 466 पद, यानी ये टोटल कह सकते हैं 466 कैंडिडेट की वैकेंसी खाली रही है। इसमें निश्चित तौर से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी दोबारा, अब कब मिलती है वो डिसाइड करेगी सरकार। नहीं देखो, यहाँ पे टीएसपी एरिया में कट ऑफ जनरल की रखी गई है वो 217 मार्क्स रखी गई है 500 में से, और 217-500 में से अगर देखा जाए, अगर कट ऑफ निकालें परसेंट बेस पर, तो 43 पॉइंट कुछ परसेंट निकलेगी यहाँ पे जो टीएसपी एरिया में। जनरल की बात करें, एससी की बात करें तो 207 मार्क्स रखे गए हैं, तो ये समथिंग 41% मान लीजिएगा, 41% के समथिंग रही है। बाकी बात करें जो एसटी है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहे हैं, यानी पास ही नहीं कर पाए हैं, और इसमें जो कुछ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो भी पास नहीं कर पाए हैं, और बाकी ये देख लीजिएगा नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ कितनी रही है। जैसे हम जनरल की बात करें तो जिसमें 240 मार्क्स रखे गए हैं कट ऑफ के, यानी ये एक गुना की कट ऑफ है, तो हम अगर ये 500 में से कट ऑफ मार्क्स निकालें कि परसेंट कितनी रहेगी, कट ऑफ मार्क्स तो दे ही रखें 240, तो ये समथिंग लग रहेगी 49 पॉइंट कुछ, यानी 49% गई है जनरल की, आप ऐसे कह सकते हैं। इनके अलावा बात करें जैसे कि इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे कि EWS की बात कर लेते हैं, तो EWS में 202 मार्क्स रखे गए हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं अगर 500 में से परसेंट निकाले तो वही 40% सारे पास मार्किंग कितनी रखी थी, 40% तो सेम वही है पास मार्किंग रखी है। बाकी एससी की बात करें तो 182 मार्क्स हैं, तो निश्चित तौर से ये 500 में से अगर हम परसेंट निकालें तो समथिंग हो जाएगी 36% है, यानी कह सकते हैं ये भी पास मार्किंग रखी गई थी इतनी, उतनी ही कट ऑफ रखी है। बाकी एसटी की बात करें तो 197, तो ये समथिंग हो जाता है 39% कट ऑफ रही है। बाकी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी ज़्यादा देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी, क्योंकि उसके 202 मार्क्स रखे थे, यहाँ पर 200 मार्क्स पे ही हो गया है, यानी आप कह सकते हैं कोई पास मार्किंग है 40%। इसके बाद एमबीसी की बात करें तो 203 है, तो 203 का मतलब हो जाएगा वही 40% के फेर में, क्योंकि यहाँ पे तो 40 है, तो फिर 41 कर लीजिएगा, अगर हम बात करें 40 पॉइंट कुछ हो जाएगी, 41 तो नहीं कहेंगे, 40.60 बांध सकते हैं, इतनी कट ऑफ रही है आपकी एमबीसी की। शहरी आप पास नहीं कर पाए हैं। बाकी और भी देख लेते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, यानी कुछ डिसेबिलिटी से संबंधित, केवल जो एलडी वाली डिसेबिलिटी है ना, उसमें 199 मार्क्स रखे गए, और इनके अलावा इसमें 3 कैंडिडेटों का रिजल्ट रोक लिया गया है, और इसमें और कुछ ऐसा दिया नहीं है। फाइनली जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।